गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाँ तो आप सभी दूसरी कक्षा में हो। हाँ और हमारा पीरियड है हिंदी का। आप सभी ने इंतजार कर रहे थे ना कि कर्णिका मैडम आप हमें कुछ नया सिखाने वाली है। तो हाँ बच्चों, मैं आज आपको कुछ नया सिखाने वाली हूँ। तो पहले इससे पहले हमने इसके पहले पीरियड में हमने देखा था कि आपकी मात्रा, तो आपकी मात्रा का हम इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं और शब्दों में, हिंदी के शब्दों में आपकी मात्रा कहाँ कहाँ आती है, कैसे आती है और उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, इसकी हमने सब पहचान की थी और आपकी मात्रा का हमने अध्ययन किया था। तो बच्चों, आज हम नई मात्रा सीखने वाले हैं। तो आप अपना बुक निकालिए। तो हमारी बुक का नाम है रोही हिंदी पाठमाला एक। तो उसमें से पेज नंबर आप 20 निकालिए, 2020। तो इसमें आपको ये पाठ क्रमांक 3 दिखाई देगा, पाठ क्रमांक 3, जिसमें ये छोटी ई है। ये क्या है? ई। लेकिन ये छोटी ई, इसको हम हिंदी में छोटी ई बुलाते हैं और ये जो ई की मात्रा है वो हम इस तरह से लिखते हैं। ये छोटे ई की मात्रा हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि ये इस तरीके से हम छोटे ई की मात्रा लिखते हैं और इस ई की मात्रा का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करने वाले हैं। ये ई की मात्रा देखो बच्चों, ये ई, ये है छोटे ई की मात्रा। सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से? वेरी गुड। हाँ तो बच्चों, ये ई की मात्रा जो है, इस ई की मात्रा से इमली यह शब्द तैयार होता है। इमली, इमली कैसी होती है? खट्टी मीठी। हाँ, उसको देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, और ये है इमारत। इमारत यानी कि बड़ी बिल्डिंग। यह है हिरण जो जंगल में रहता है और ये है चिड़िया। चिड़िया की चहकने की आवाज हम सुबह सुबह सुनते हैं, तो यह है चिड़िया। तो ये ई की मात्रा से बने हुए सब शब्द है। यहाँ पे ई है, ई से इमली, ई से इमारत और यहाँ हिरण जो शब्द है, तो हाँ ये वर्ण जो है इसको ई की मात्रा लगाई गई है। यह है छोटी ई की मात्रा, ठीक है। और चिड़िया इस शब्द में वर्ण च और वर्ण ड को ई की मात्रा लगी हुई है। तो बच्चों, यहाँ पे रेड कलर से जो है, लाल रंग से ए लिखा हुआ, ये सब मात्रा है। कौन सी मात्रा है? छोटे ई की मात्रा। तो आपने इससे पहले आपकी मात्रा व्यंजनों में मिलाकर अपने नोटबुक पे लिखा था। इस नोटबुक पे आपने लिखा था कि ये आपकी मात्रा हम किस तरह से लिखेंगे। ये अभी आपका वर्क पूरा हो गया होगा। इसी तरीके से हमें ई की मात्रा भी लिखनी है। जिस तरह से हमने आपकी मात्रा सभी व्यंजनों को लगाई, उसी प्रकार हमें ई की मात्रा भी सभी व्यंजनों में लगानी है। तो बच्चों, मैं इससे पहले आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये है क वर्ण और इसको हमने यदि पहले ई की मात्रा यानी कि छोटे ई की मात्रा लगाई तो ये बन जाता है की। उसके बाद है ही, उसके बाद है गी, उसके बाद है घी, उसके बाद है ची। इस प्रकार से आ ये श्लोक आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 5 व्यंजन लिखकर आपको दिखाए हैं। तो आपका होमवर्क क्या होगा? छोटे ई की मात्रा छ से श्र तक लिखो। फिर एक बार देखो, छोटे ई की मात्रा छ से श्र तक लिखो और आपको ये अच्छे से लिखना है ताकि आपको क्या मिले। क्या है ये? स्टार। तो
उसके बाद के 10 शब्द जो है वो आपको खुद को लिखने हैं और वो लिखने की कोशिश आपको करनी चाहिए, क्योंकि आप सभी होशियार हो और आप अभी अभी कौन से स्टैंडर्ड में हो, सेकंड स्टैंडर्ड में। अभी आप छोटे से नर्सरी के बच्चे जैसे नहीं हो, अभी आप बड़े हो गए हो, तो आप ये अच्छे से आसानी से कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे देखो, हमारा पहला शब्द है दिन, पहला शब्द है दिन। तो द वर्ण को हमने छोटे ई की मात्रा लगाई और उसके बाद न लिखा, तो शब्द बन गया दिन। पर यह दिन जो है ये छोटे ई की मात्रा का जो उच्चारण होता है वो उच्चारण हम कैसे करेंगे, शॉर्ट करेंगे यानी आसानी से करेंगे। इसको हम ऐसे दीन ऐसे नहीं पढ़ने वाले, तो इसको हम पढ़ेंगे दीन, ठीक है। उसके बाद क छोटे ए की मात्रा, न गिन, स छोटे ए की मात्रा, र सिर। इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे सिर, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यह है सिर। उसके बाद ऐसे 10 शब्द मैंने यहाँ पे मम्मी के साथ बैठकर अच्छे से पढ़ने हैं और इसी प्रकार आपको अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। मैं आपको वो दिखाती हूँ कि किस तरह से ये आपको लिखने हैं। ये इस तरह से आपको अच्छे से गुड हैंडराइटिंग में लिखने हैं, ठीक है बच्चों। और मैंने यहाँ एक से लेकर 10 तक सीता तक आपको शब्द लेकर दिखाए हैं। इसके आगे के शब्द 11 से लेकर 20 तक आपको खुद को बनाने हैं। यदि उसमें कुछ गलतियां हो जाती है तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रयास करो कि ये किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये है आपका होमवर्क, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने आज ई की मात्रा किस तरह से व्यंजनों को लगाई जाती है ये पढ़ा। तो ई की मात्रा के उच्चारण में हमें जोर नहीं देना, उसको दीर्घ नहीं उच्चारण करना, उसका जो उच्चारण है वो हम कैसे करेंगे, कम जोर देकर करेंगे। सिर, दिन, गिन, बिल, तिल, किला, गिरी, पिन, गिटार, सितार, इस तरह से, ठीक है। अब ये जो मात्रा है ये वर्ण के दाएं ओर दी जाती है। कहाँ पे दी जाती है, दाएं ओर। दाएं ओर यानी कि हमारे राइट साइड में, शब्द के राइट साइड में, ठीक है, उजली आवाज होता है। आपने यहाँ पे क्या सीखा, तो आज आपने यहाँ पे छोटे ई की मात्रा किस तरह से आती है, उसका उच्चारण हम किस तरह से कर सकते हैं और ये व्यंजन